सबसे पहले कोई ताई को ठंडी लस्सी पिलाओ, क्योंकि जिज्जी के खिलाफ कोई एफआईआर ना हुई है। क्या करिश्मा सिंह ने कोई एफआईआर नहीं की? तेरे को पक्का मालूम है ना? हाँ जिज्जी, उसने सबको यही बोला है कि वो मोटरसाइकिल से गिर गई थी इसीलिए उसे लग गई है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। जिज्जी तू डरा रही है ना? कसम से जब तू ऐसे हंसती है ना तो ज्वालामुखी फटन वाली फीलिंग आती है मुझे। करिश्मा सिंह के बारे में जितना सुना था वो उससे कहीं ज्यादा है ताई, पर्वत है वो, अड़ जाएगी तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती। शेरनी है उस महिला पुलिस थाने की सबसे मजबूत चट्टानी, उस थाने की सबसे कमजोर कड़ी है। उसने एफआईआर नहीं करवाई, मतलब उसे हमसे हमदर्दी है। सोचिए अगर करिश्मा सिंह चिंगारी गैंग का हिस्सा बन जाए तो हम लखनऊ क्या पूरी दुनिया बदल सकते हैं। बदलेंगे बेटा, पूरी दुनिया बदलेगी। वो सुबह कभी तो आएगी करिश्मा सिंह। अरे हम सब जानते हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हमारा डिपार्टमेंट आपके साथ। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे भाई ये क्या हो गया आपको, ये चोट कैसे लग गई? सर वो कुछ नहीं, वो बाइक से थोड़ा गिर गए थे इसलिए लग गया हमको। अरे देख के चला करिए, सारे शहर की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। जी। अच्छा चलिए हम आपको मिलाते हैं, ये हमारे शहर की जानी मानी हस्ती सतपाल जी, और ये उनके बेटे विक्रम जी। हुआ ऐसा कि कल रात इनके बेटे पर जानलेवा हमला हुआ। और हम चाहते हैं इनके बेटे की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लें। अच्छा सतपाल जी, ये हमारे डिपार्टमेंट की बिल्कुल काबिल ऑफिसर है हसीना मलिक जी, और उनके सहयोगी करिश्मा सिंह जी। अरे भाई इनके भौकाल को तो शहर का बच्चा बच्चा जानता है। हाँ हाँ जी, बहुत नाम सुना है आपका। तेरे हिसाब से अजय वर्मा मर गया, लेकिन मेरे हिसाब से वो आज भी जिंदा है। यही फर्क है तुझ में और मुझ में। सॉरी हसीना मलिक, तुझसे ये केस नहीं सॉल्व होगा। डीएसपी साहब, हसीना जी खुश नहीं लग रही हैं। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है सतपाल जी, अरे हमारा डिपार्टमेंट जनता की सेवा के लिए ये है भाई। हसीना मलिक जी, इनका हमलावर किसी भी हालत में पकड़ा जाना चाहिए। जी सर, कुछ बता सकते हैं आप हमले के बारे में? कुछ? अरे पूरा बताता हूँ आपको। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और उसी वक्त मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुआ। वो तो अच्छा है मैं बाल बाल बच गया, वरना पता नहीं क्या होता। डोंट वरी, जब तक हमलावर पकड़ा नहीं जाता हम आपको सिक्योरिटी देंगे। ग्रेट। अच्छा तो अब आप लोग जा सकते हैं। जी सर। जय हिंद सर। जय। सतपाल जी आप निश्चिंत रहिए भाई, हमारा डिपार्टमेंट आपके साथ है, आप लोगों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बस अब यही होना बाकी था, जिसको पकड़कर जेल में डालना चाहिए आज उसका जी हजूरी करना पड़ रहा है। मैडम सर आपका जज्बातों का खेल उल्टा पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है जो हम नहीं करना चाहते हैं। करिश्मा सिंह, क्या आपके पास कोई सबूत है कि विक्रम ही अजय है? आपको कोई शक है? बिल्कुल नहीं, लेकिन कानून को तो सिर्फ सबूत दिखाई देते हैं। और हमको अगर कभी सबूत ना मिले तो फिर तो ऐसा लग रहा है मैडम सर जो शिवानी करती है वो एकदम ठीक करती है, उसको सबूत का जरूरत नहीं पड़ता है, वो हाथों हाथ इंसाफ देती है। हमको नहीं लग रहा है मैडम सर कि हम शिवानी को इंसाफ दिला पाएंगे।
उसको पता चलेगा कि उसका मुजरिम आपकी सुरक्षा में है, तो फिर कैसा लगेगा उसको? मैडम सर, आप इंसाफ दिलाने वाली थी, आप ना इंसाफी की तरफ खड़ी हैं अभी। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम अजय बहुत पैसे वाला था और इसीलिए उसने पूरा केस घुमा दिया। आई बाबा ने भी घर से निकाल दिया, वो तो मुझे बचपन से जानते थे, उन्होंने तो मुझे देखा था। कोई जवाब नहीं है ना मैडम सर आपके पास? जी बताइए, आपके साथ क्या मारपीट हुई, कुछ चोरी हुआ है, क्या हुआ? ये तो कौवा है। नहीं नहीं, तोता 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 चोरी हुआ है। तो पाले कहे थे, उड़ गया होगा बेचारा। कैसे उड़ गया होगा, वो हमारे साथ काम करता है। क्या बात कर रहे हैं आप, तोता काम करता है? हाँ। मगर कैसे? दरअसल क्या है ना मैडम, कि हम ना जोशी है, तो वो दूसरों का भाग्य बताने में हमारी मदद किया करता था। एक सेकेंड, आप ज्योतिषी है क्या? आप भाग्य बता सकते हैं? मेरा बताएंगे? मुझे जानना है। ये हाथ अमाओ जड़ बुद्धि, वो अपना भाग्य नहीं जान पाए, तुम्हारा भाग्य क्या जानेंगे? भाग्य कर्म से बनता है, कहाँ समझी? मैडम ये तो हम पे ही सवाल उठा रही है। महाराज ऐसा है कि हम भी ज्योतिषी हैं और आपके तोते से हमारा अभी मेंटल बात हुआ है। वो बोला है कि हम पंछी हैं, हमको जोकर बना के रख दिया है, हमको पिंजरे के अंदर बंद करके रखते हैं, हमको उड़ना है, हमको उड़ने नहीं देते, इसलिए हम वापस नहीं आएंगे। और उन्होंने एक और बात बोली कि थोड़ा और आप बतियाएंगे ना तो शायद यहाँ आके वो आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देंगे। अरे मैडम हम तो मजाक कर रहे थे मैडम। वो देखिए क्या, अरे हमारा तोता मिल गया। कहाँ है तोता? कहाँ गया? दिख नहीं रहा है तोता। उड़ रहा होगा, उड़ता है तो। नहीं। ओह भाग गया पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। कौन भाग गया, क्या देख रहे हैं आप लोग? वो नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं। आइए केबिन में। करिश्मा सिंह, अजय वर्मा की सिक्योरिटी आपको संभालनी है पर्सनली, वैसे ही दो बार उनके फोन कॉल आ चुके हैं। पुष्पा जी वो कौन सा गाना गुनगुना रही थी आप मुकेश जी की आवाज में फिल्म नजराना का? एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है, उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। देखिए ना कहां से कहां आ गए मैडम सर, जिनको सलाखों के पीछे रखना चाहिए था उनको सलाम बजाना पड़ रहा है हमको। आपके ऑर्डर्स फॉलो करते करते हमने अपना भौकाल तो एकदम पैक करके साइड में रख दिया है, लेकिन इसके साथ अगर घूमेंगे तो गारंटी नहीं दे सकते हैं कि खुद पे काबू रख पाएंगे कि नहीं, थोड़ा कठिन है हमारे लिए। शिवानी ताई ने भेजा है। पुष्पा जी हमने अपनी टीम से कभी कुछ नहीं छुपाया, पढ़िए जोर से सबके सामने। डियर हसीना मलिक, तेरे से बात हुई, तेरे बारे में जाना अच्छी लगी। तू दिल है तेरे पास, दर्द समझती है लोगों का, इसलिए बिना मेरे बोले मेरे आई बाबा का हाल मेरे को बता दिया। इसलिए बार बार तेरे को फोन करके शर्मिंदा नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ तुम अंदर से मेरे को इंसाफ दिलाना चाहती है, लेकिन तू चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसे गोली ना लगे इसकी जिम्मेदारी भी तुझे दी गई है। कानून एक हथकड़ी है हसीना मलिक, जो तेरे हाथ में पड़ी है। चाह के भी तू कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं आजाद हूँ शिवानी। इस लड़की में कुछ तो बात है, जज्बात समझ में आते हैं इसे, बस इसका तरीका गलत है। एक चिट्ठी में गुस्सा शांत हो गया? अरे कम मुजरा करके दिखाएगा, यहाँ पर जाओ ना, दे दिया ना चाय। जाओ। हमें लगा नहीं था मैडम सर कि आप दुश्मन का तारीफ भी करें। अच्छा, हमें भी नहीं लगा था कि बाइक से गिरकर आपको ऐसी चोट लगेगी।
हमें बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है मैडम सर कि हम अजय वर्मा को सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। हमें बहुत लगा है, हम घायल हैं, हमें हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर से मिलना है। जय हिंद। वो मैडम सर, वो सुबह जो गाना सुना ना, उस वजह से उनका मूड थोड़ा हल्का हो गया है। तो ठीक है, अगर करिश्मा सिंह नहीं तो फिर जीते। माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन जब से हमारे वर्दी के साथ खिलवाड़ हुआ है ना, हमारा आत्मविश्वास वैसे ही हिला रहता है। और हमको नहीं लगता है कि ऐसा मानसिक स्थिति के साथ इतना बड़ा काम करना हमारे लिए ठीक रहेगा। मतलब हम कर भी नहीं पाएंगे मैडम सर। ठीक है संतोष शर्मा। अब मैडम सर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरह का केस है, मुझे नहीं लगता कि हम तैयार हैं चिंगारी गैंग से लड़ने के लिए। कोई मजबूत दावेदार अगर। मैडम सर, हम जाएंगे ड्यूटी पे, और कोई भी अगर हमारे कर्तव्य के बीच में आएगा ना, हम उसे गोलियों से भून देंगे। कल रात को कौन सी एक्शन फिल्म देखी थी आपने? रोशन साहब के बेटे और जग्गू दादा की बेटी की फिल्म थी, बहुत अच्छी थी। उन दोनों को देख रहे थे ना, तो पता नहीं हमें क्यों आपकी और करिश्मा जी की बहुत याद आ रही थी। नहीं पुष्पा जी, आप यहाँ थाने में ही रुकेंगे, हम नहीं तो कम से कम आप इस टीम में भरोसा बनाए रखिए। पर वैसे भी अगर आपके मन में इतना ज्यादा गुस्सा है ना, तो आप एक काम करिए, आप डिटेल्स निकालिए, बैंक डिटेल्स, बर्थ सर्टिफिकेट, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो अजय वर्मा के खिलाफ केस बनाने में हमारी मदद करे। हम पर से उठ जाए तो उठ जाए, वर्दी पर से भरोसा नहीं उठना चाहिए। जी, आप कहाँ जा रही है? हम और कहाँ जाएंगे, अजय वर्मा की सिक्योरिटी डिटेल के लिए जा रहे हैं। करिश्मा मैडम ने कभी भी अपना ड्यूटी के लिए ना नहीं बोली है सत्तो जी। जो कुछ भी हुआ ना भीतर, हमारे समझ में कुछ नहीं आया। जब करिश्मा मैडम केस सॉल्व करती है ना, तब उनसे ये कहा जाता है कि खुद को काबू में रखना सीखिए। उनकी कभी तारीफ ही नहीं हुई थी थे, पर वही शिवानी ने किया मैडम सर के लिए, तो मैडम सर के लिए वो भले दिल के इंसान हो गए, तो किसी को भी बुरा लगेगा, इसीलिए नहीं गई करिश्मा मैडम। अपनों में खाली कमी दिखता है मैडम सर को, बाहर वाला लोग चाहे जो मर्जी करे। संतु जी, हमको लगता है ना, ये मैडम सर का जो तरीका है ना, प्यार वाला, जज्बात वाला, ढकोसला है, जिसको चोट लगता है ना संतु जी, गूंज उसी के कानों में आती है। हमको थप्पड़ लगा है, हमारे कान में गूंज है, मैडम सर को क्या फर्क पड़ता है। इधर आओ, दो प्लेट चाट लगाओ। संतोष चाट खाई है। 50 रुपया मालिक। पैसा लेगा? हमसे पैसा लेगा तुम? नहीं मालिक, ये चाट भी आपका है और ये रेडी भी आपका है। भाग इधर से। नहीं नहीं, एक सेकंड रुकिए प्लीज, क्या कर रहा है चीते? रुकिए ना आप। रे, तुम खड़ा होकर मुंह का ता कर रहा है, भाग इधर से। जी जी, बोलो ना, भाग भाग। चीते तू ये क्या कर रहा है, तू बदल रहा है। संतु जी, जब हमको चोट लगा और हमारे अपने नहीं बदले ना, इसलिए हमको दोबारा चोट ना लगे, इसलिए हम खुद बदल रहे हैं। और हम बदलेंगे संतु जी, इसमें कोई बुराई नहीं है। कौन है? हाँ बिल्ले, बोल। क्या बोलूं यार, मेरी हालत बहुत खराब है। जब से माँ ने दो किसी शिवानी के खिलाफ एफआईआर में मेरा साइन लिया है, तब से बिल्लू तो स्पाई अंडरग्राउंड इन ब्लैक स्काई हो गया है। इससे पहले कि चिंगारी गैंग को एफआईआर के बारे में पता चले, उस एफआईआर को गायब कर मेरे दोस्त प्लीज। अरे हाँ यार, हाँ गए थे हम एफआईआर का रजिस्टर चुराने के लिए, लेकिन पता नहीं यार पुष्पा जी की नींद कैसे खुल गई, ऐसे हाथ हमारा मरोड़ के कोहनी से पीठ पे मारा है। हाँ, अभी तक पीठ में चमक है। सुन सुन, शिवानी की प्यार भरी चिट्ठी आई थी मैडम सर के लिए, पढ़ने के बाद उन्होंने सारा गुस्सा थाने के बाहर थूक दिया है। क्या
खबर लाया है भाई मेरे, मेरी एक चिट्ठी लिख दे शिवानी ताई को, उसके बाद वो भी थूक देगी गुस्सा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इकबाल क्यों नहीं लिखेगा। हाँ हाँ लिखें, लेकिन लिखें क्या? तो लिख, मैं बताता हूँ। हाँ हम लिखते, तू बोल। एक मिनट रुक, कुछ जुगाड़ करने दे। अरे हाँ हाँ बिल्ले हो गया, कितना लिखवाओगे, निबंध लिखवाओगे हमसे? चलो रखो बाय। हाँ चलो। एक बार हाँ। क्या है ये लेटर वेटर किसके लिए? बिल्ले के लिए। बिल्ले की तरफ शिवानी को माफीनामा और उसकी तारीफें लिखी हैं। एक बार मेरे भाई, बहुत जोर से भूख लगी, कुछ खिला दे यार, चटपटा कुछ खिला दे। मेरे भाई को भूख लगी, अभी लाए, अभी लाए। हाँ, ये क्या? ला। तारीफ मुझसे अच्छी कौन लिख सकता है? बिल्ले, ये शांति का पैगाम तेरी जिंदगी को धमाकेदार बनाएगा। माशूक आशिक बिल्ला। अब चपड़ गंजू, एक पीएचडी के एग्जाम दे रखे, निकल यहां से। अबे बिल्ले, लेटर तो ये जगह शिवानी के पास, थोड़ी जिंदगी तू भी जी ले। बदनाम भाई। हाँ। ये लो भाई, नाश्ता कर लो, ठीक है? हाँ। और सुनो, बिल्लू के लिए दुआ करो कि लेटर के बाद बिल्लू की पूरी जिंदगी बदल जाए। चोर जंडाल है तो क्या से है, तो हमारा छोटा भालू ना। हाँ, काला छोटा भालू। नाश्ता करो। हाँ, हाँ, हाँ। छोटा हाथी भी। हाँ। बदलेगा, माँ का बाप का दादा का सबका बदला लेगा रे बिल्ले तेरे समय। जिजी के खिलाफ कोई एफआईआर ना हुई है। करिश्मा सिंह ने कोई एफआईआर नहीं की, तो उसने सबको यही बोला है कि वो मोटरसाइकिल से गिर गई थी, इसीलिए उसे लग गई है। गड़बड़ है, गाना गड़बड़ है तो दूसरा गाना लगा ले। मैं वहाँ पर अजय को मारने गई थी और मुझसे पहले वहाँ पर करिश्मा सिंह पहुँच गई और उसे बचा लिया। कैसे? मैं वहाँ पर अजय को मारने गई थी और मुझसे पहले वहाँ पर करिश्मा सिंह पहुँच गई और उसे बचा लिया। कैसे? यो बात तो जीजी हो चुकी है ना, तू सोच के रही है तो यो बता। यही कि अजय को मारने के लिए मैं वहाँ गई थी, मेरे अलावा ये बात तुम दोनों को मालूम थी और हमारे गैंग के तीन लड़कियों को। तो फिर ये बात करिश्मा सिंह तक पहुँची कैसे? अगर शिवानी को पता लग गया कि हमने करिश्मा सिंह तक खबर पहुँचाई थी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा तू सोचती है शिवानी कि ये बात सिर्फ हमारे बीच में थी। ये बिल्ली है ना, इसके पेट में कभी कुछ रहता है क्या? जो के बात हुई भला, मारे को बलि का बकरा बना रही है। हमारे गैंग में कोई तो खबरी है, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। बिन्नी तीनों को बुला। देख क्या रही है, बुला अभी। मेरे को जानने का है कि मेरी टीम में से पुलिस को किसने खबर दी। कौन है वो खबरी जिसने पुलिस को बताया कि मैं अजय वर्मा को मारने जाने वाली हूँ? तू कुछ ज्यादा सोच रही है शिवानी। अरे जरूरी नहीं कि खबरी हमारी गैंग में हो, अब पुलिस के तो 10 तरीके होते हैं पता लगाने के। हाँ होते हैं होते हैं। क्या मैं अपनी तसल्ली कर सकती हूँ? तू कशल बड़ी घाबरत है। जैसे तेरी मर्जी। ये डिब्बी देख रहे हो, इसके अंदर जो गोलियां है ना, वो इंसान के दिमाग की उपज है। दिमाग के कोई भी कोने में झूठ अगर छिपा कर रखा होगा ना, तो ये एक गोली खाने से सब कुछ बाहर आ जाएगा। जापान में पुलिस वाले इसी से सारा सच उगलवाते हैं। तुम सब लोग एक एक गोली खाओगे और टीम में से जिसने भी धोखा दिया है सब बाहर आ जाएगा। बिन्ने, अरे इंसान ना हो गया, बावड़ी पूछ हो गई, सच बोलने की भी गोली बना दी।
अबे कितना लेट है। सॉरी सॉरी मैम, मैं ये बोल रहा था कि आप भी साथ में चलिए ना, सेम गाड़ी में चलते हैं, आसपास रहेंगे। हमें आपकी सिक्योरिटी के लिए भेजा है, कंपनी देने के लिए नहीं। आप आगे जाइए, हम आपको फॉलो करेंगे। बहुत घमंड है ना तेरे को? चल ठीक है, खेल तेरा, मैदान तेरा, बाजी तेरी। अगर तूने मेरा केस सॉल्व कर लिया तो आई शपथ, ये चिंगारी दोबारा कभी कोई भी हथियार नहीं उठाएगी। तेरे हिसाब से अजय वर्मा मर गया, लेकिन मेरे हिसाब से वो आज भी जिंदा है। सोच रही है ना? कोई बात नहीं, यही फर्क है तुझ में और मुझ में। शिवानी, कानून कमजोर नहीं है, कानून बहुत ताकतवर है और हम ये साबित करके रहेंगे। सॉरी हसीना मलिक, तुझसे ये केस नहीं सॉल्व होगा।